हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑफिस एंड कॉलेज गोइंग मेकअप, स्पेशली फॉर समर। समर में हमारे फेस पे स्वेटिंग ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमारा मेकअप बह जाता है। तो ऐसा हमें क्या अप्लाई करना चाहिए मेकअप से पहले जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमारी स्किन भी इंटरनली हेल्दी रहे, बिकॉज समर में हमें प्रोटेक्शन की जरूरत भी होती है। और ये मेकअप हम बहुत मिनिमम प्रोडक्ट के साथ क्रिएट करेंगे, बिकॉज मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टेप बाय स्टेप फुल मेकअप को क्रिएट करें। हमें टाइम पे अपने ऑफिस एंड कॉलेज भी पहुंचना है, तो झटपट हमें बहुत कम प्रोडक्ट के साथ इस मेकअप को क्रिएट करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट स्टेप, हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में स्वेटिंग की वजह से हमारा मेकअप बह जाता है, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि हमारी बॉडी इंटरनली हाइड्रेट रहे, कूल रहे, जिससे हीट ज्यादा एक्सीड नहीं होगा और आपकी बॉडी से ज्यादा स्वेट नहीं निकलेगा, यानी कि स्वेटिंग कम होगी तो आपका मेकअप भी नहीं बहेगा। तो जितना ज्यादा हो सके आपको पानी पीना है। सेकेंड स्टेप होता है स्किन केयर। स्किन केयर आपको जरूर फॉलो करना है मेकअप से पहले, और गर्मियों में सबसे इंपॉर्टेंट स्किन केयर स्टेप होता है सनस्क्रीन, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट होना चाहिए, बिकॉज हम उसे सबसे पहले अप्लाई करते हैं, वो हमारी स्किन के टच में आता है, स्किन में एब्जॉर्ब भी होता है, इसलिए हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। हमें नेचुरल सनस्क्रीन ही अप्लाई करना है, और मैं यूज करती हूँ लोटस ऑर्गेनिक प्लस हाइड्रेटिंग जेल मिनरल सनस्क्रीन SPF 30। और आप लोगों की काफी कमेंट आ रही थी कि दी कोई बेस्ट सनस्क्रीन बताओ, तो मैंने आप में से ही किसी को रिप्लाई किया था कि मैं अभी लोटस यूज कर रही हूँ और जल्द ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं आपको वही रिकमेंड कर सकती हूँ जो मैंने खुद यूज किया है, और मैं वही चीज यूज करती हूँ जो कि नेचुरल हो और स्किन के लिए सेफ हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या फिर मेरी खुद की DIY हो। इसे मैं हर किसी को रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि हर टाइप की स्किन के लिए सुइटेबल एंड सेफ है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एक्टिव्स हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं सारे ही प्लांट बेस्ड हैं, यानी कि नेचुरल है पूरी तरीके से। आपकी स्किन पे कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं नजर आएगा, चाहे आप किसी भी टाइप की स्किन पे इसे यूज करें। साथ में आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगा जो भी आउटडोर हार्मफुल एक्टिविटीज होती हैं या फिर सन की जो यूवी रेज है जो कि हमारी स्किन में सन बर्न, ब्राउन पैचेस या ब्लैक स्पॉट जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। साथ में हमारा पिगमेंट यानी कि मेलानिन डार्क होने लगता है जिससे हमारा कलर भी डल हो जाता है। ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को एक अच्छा प्रोटेक्शन भी देगी, साथ में आपकी स्किन को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगी। यूवी रेज आपकी स्किन को ही नहीं बल्कि इनर लेयर को भी डैमेज करते हैं जिससे हमें पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन इंटरनली डैमेज ना हो तो हमें पहले से ही सनस्क्रीन का गर्मियों में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लोटस है तो नेचुरल ही होगा। लोटस ऑर्गेनिक सब ब्रांड है लोटस हर्बल का, जो कि 25 ईयर ओल्ड ब्रांड है। मैंने इनके काफी मॉइस्चर वगैरह ट्राई किए हैं। इनके सभी प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं और काफी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। एंड इसे भी यूज करते हुए मुझे करीब 25 डेज हो चुके हैं। जब आपके कॉमेंट आना स्टार्ट हुए थे तभी मैंने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था, एंड काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही स्मूथ है, काफी मिल्की है एंड जेल फॉर्मूला के साथ है, तो जब आप इसे अपने फेस पे थोड़ी सी क्वांटिटी में ही अप्लाई करेंगे तो इजिली आपके पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाएगा और बहुत क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी। तो सिर्फ एक स्टेप को फॉलो करके आप अपने स्किन को सन बर्न और यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। और अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे ये वाला तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो गो एंड चेक नाउ एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर मेकअप। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। अगर आप डेली बेस पे बीबी या सीसी क्रीम अप्लाई करते हैं तो आप प्राइमर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाउंडेशन का यूज करते हैं तो आपको प्राइमर अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप कम क्वांटिटी में यूज करें लेकिन आपको करना है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन, और इससे मैं डायरेक्टली अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा अनहाइजीनिक लग रहा होगा लेकिन ये मेरे प्रोडक्ट हैं, मेरी स्किन पे सिर्फ यूज होते हैं। बट अगर आप पार्लर जा रहे हो और कोई भी ब्यूटिशियन आपके फेस पे डायरेक्टली प्रोडक्ट के थ्रू मेकअप अप्लाई कर रहा है तो उसे ऐसा बिल्कुल ना करने दें, क्योंकि वो दूसरे की स्किन पे भी यूज़ होता है और देन आपकी स्किन में बैक्टीरिया या फिर फ्री रेडिकल आ जाते हैं जिससे आपको एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सुस ब्यूटी का पैन स्टिक कंसीलर, और ये मेरी स्किन टोन के जैसा है तो मैं बहुत कम यूज़ करूँगी। मुझे पूरा अपने फेस को कंसील नहीं करना है। इसके थ्रू जो भी हमारे फेस पे डिस्कलरेशन है या ब्लैक स्पॉट या हल्के फुल्के कोई दाग है पिंपल एक्ने के, आप उन्हें कवर कर सकते हो। जैसे मेरे फेस पे तिल हैं थोड़े बहुत जो कि फाउंडेशन से कवर नहीं होते। अगर आप लाइट फाउंडेशन यूज़ करते हो थिन लेयर में तो वो ईजिली कवर नहीं हो पाते। अगर आप मोटी लेयर लगाते हो तो मुझे तो सफोकेशन होती है, और डेली बेस पे आप इतना फाउंडेशन कैरी करके नहीं रख सकते हो। तो इसलिए हम कंसीलर का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे ब्लैक स्पॉट या जो भी
निशान है उन्हें हाइड कर सके। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज पाउडर, और एक साथ ही आपको क्वांटिटी ब्रश के ऊपर ले लेना है। एक्सेस आप डस्ट ऑफ कर देंगे और एक बार में ही अपने पूरे फेस को कवर कर लीजिए। हमें जल्दी जल्दी अपने सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बोर्ड से आई शेडो पैलेट, और इसमें जो भी आप लाइट शेड है ना उन्हें आप ऑफिस या कॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे आई शेडो की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप हल्का सा अप्लाई कर लोगे मैट फिनिशिंग के साथ तो काफ़ी अच्छा लुक आता है आँखों में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत न्यूट्रल यानी नेचुरल कलर लिया है और इसे मैंने ब्रश के थ्रू हल्का हल्का क्रीज पे अप्लाई किया है, और जो मिड पोर्शन है हमारा जहाँ पे आई बॉल है उसे फिल करने के लिए, हल्का सा हाईलाइट करने के लिए येलो शेड में मैट आई शेडो यूज़ करना है, और बहुत कम क्वांटिटी को लेते हुए एक्सेस हमें डस्ट ऑफ कर देना है। बिल्कुल नेचुरल शेड रखना है ताकि पता ना चले लोगों को कि हमने आई शेडो अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे आई लाइनर। तो मॉर्निंग में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, आई लाइनर लगाते वक्त हमारे साथ इतनी गड़बड़ होती है कि एक विंग बड़ी एक विंग छोटी हो जाती है और दोनों को मैनेज करने में हमारा सारा टाइम निकल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्केच आई लाइनर का यूज़ करें जो कि ईजिली ड्राई हो जाता है, अच्छे से आप अप्लाई भी कर सकते हो और स्मज भी नहीं होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, और काजल को हमें सिर्फ हाफ वाटर लाइन तक ही अप्लाई करना है, यानी कि सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही अप्लाई करना है, इनर कॉर्नर को हमें कवर नहीं करना है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैंडा का अल्टीमेट प्रो पैलेट, जो कि 3-in-1 है। इसमें कॉन्टोर भी है, ब्लशर भी है और हाईलाइटर भी है। तो फर्स्ट हम फेस की कॉन्टोरिंग करेंगे, एंड इसके लिए आप ब्राउन मैट आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कॉन्टोर स्टिक या कॉन्टोर पैलेट नहीं है। तो हल्का सा हमें नोज़ की भी कॉन्टोरिंग करनी है। डेली बेस पे नेचुरल ही रखें, अगर वो लाइन वाइज कॉन्टोर या ब्लशर नज़र आता है तो आपका मेकअप बहुत ओवर लगता है, तो इसे अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे हाईलाइटर और ब्लशर को मिक्स करके अप्लाई किया है, तो यानी कि एक ही स्टेप में हमारा 2-in-1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं अपने अपर और लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी, साथ में इससे ही मैं अपने आईब्रो को भी कवर कर लूँगी। तो आप देखिए कि नेचुरल बहुत अच्छी आईब्रो मिल रही है अगर आप मस्कारे से सेट कर रहे हैं तो। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसअप से लिपस्टिक, जिसका शेड न्यूड है M03। बहुत ही प्यारा शेड है एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड लास्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेकअप फिक्सर, जो कि इनसाइड से था, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप आपके लास्ट टाइम तक चले ऑफिस या कॉलेज तक, तो आप मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ करें। तो फाइनली हमारा इस तरीके का कुछ लुक आएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करूँगी लाइक ज्वेलरी वगैरह। तो इस तरीके से हेयर स्टाइल मैंने बनाया और एक हल्का सा लॉकेट वियर किया है। आप चाहें तो इयररिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और आपकी मर्जी है तो आप ये फ्लिप निकालिए वरना मत निकालिए। एंड इस मेकअप के बाद अचानक से हमारा प्लान बना कि हम बाहर घूमने जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे पिक भी आपके साथ पोस्ट करी जो कि नाइट की थी, एंड इसी लुक के साथ वो पिक हैं, काफ़ी अच्छी आ रही हैं आप देख सकते हो। तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो और ये मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ना कोई स्वेटिंग आएगी, अगर स्वेटिंग आएगी भी तो आपका मेकअप बहेगा नहीं। तो आप समर में अगर इन स्टेप के साथ मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप काफ़ी अच्छा जाएगा और आपको लुक भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचफुल वीडियो। लव यू ऑल। बाय बाय।